guys, assalamu alaikum. My name is Sajjad Ali and I welcome you all to the Majestic English Language Teachers. Well guys, तो आज आपका जो टॉपिक है उसके आप ये समझिएगे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टेंस के फाइन. अच्छा आज जो आपका फर्स्ट टेंस है वो आपका बच्चा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि टेंसेज होते क्या, कि हमारे पास कितने टेंसेज गाइज होते राइट हियर और आपके टेंसेज की क्या पहचान होती है. इसी तरह गाइज हमने क्या फर्स्ट बेटर टेंस को स्टार्ट किया है, उसके अंदर हम बी वर्ब नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ना ही पजेसिव वर्ब पढ़ा जा रहा है. यहां पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं आपका क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें आपको हो रहा है एक्शन वर्ब का, मतलब कि आपके वो जुमले जो बार बार गाइज क्या रिपीट होते हैं गाइज के, तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके अच्छा गाइज, जब कभी भी आप कोई भी टेंस पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या समझते हैं या स्टडी गाइज करते हैं फाइन, तो उसके अंदर चार चीजें बहुत ज्यादा लाजमी होती है जो आपको यह बताता है कि आप किस टेंस को किस तरीके से और किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं राइट हियर. अब जैसे कि अब फर्स्ट आपको क्या है कि इस टेंस को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मतलब इसका डेफिनेशन का सके, तो फर्स्ट बताऊंगा मैं आपको कि इसको इस्तेमाल कहां पर किया जाता है. फाइन हियर यहां पर क्या कहा जा रहा है, दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द रिपीटेड एक्शन. हां गाइस क्या दिस टेंस इज टॉक अबाउट टू, सो दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द रिपीटेड एक्शन, मतलब कि वो आपके एक्शन जो बार बार आपके रिपीट होते हैं. कहते हो यहां से मैं आपको नहीं कह रहा कि ताती ते तू ताती चुका हूं चुकी हूं रहा हूं रही, नो गाइस नेवर. मैं सिर्फ आपसे यहां पर क्या कह रहा हूं कि वो एक्शन जो बार बार रिपीट होते हैं, चाहे रोजाना हो चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो चाहे ईयरली, उसके मतलब रिपीट. जैसे कि आप कहते हो मैं एग्जाम देता हूँ, कि इट मीन्स साल में एक बार देते हो फाइन. ओके अच्छा सुनो, या हम रोजा रखते हैं, मतलब साल में हम एक बार दें लेकिन हर साल रखते हैं, रिपीट गाइया हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट. इट मीन्स दैट हमें पता चल चुका है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल क्यों करते हैं, यस टू टॉक अबाउट द रिपीटेड एक्शन. ओके गाइस फाइन. अच्छा अब ये गाइस जैसे आप बात यहाँ पर क्या होती है मैन वर्ब के. अच्छा वर्ब बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वर्ब इट मींस क्या आपका एक्शन. फाइन गाइस के मतलब कि वो अल्फाज जो एक्शन को शो करता है वो आपका वर्ब है. तो हमारे पास भैया होते हैं वर्ब के चार फॉर्म, क्या देयर आर फोर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके गाइस, और यही आपके वर्ब होते हैं जो आपको बताते हैं बात प्रेजेंट की हो रही है पास्ट की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है. ओके गाइस फाइन. अच्छा अब यहां पर गाइस हम यहां पर क्या करेंगे, जो आपका मैन वर्ब है यहां पर क्या होगा प्रेजेंट फॉर्म, मतलब अब इसके तीन नाम गाइस क्या, इसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं और इसको बेस फॉर्म भी गाइस कहा जाता है. क्या हियर द प्रेजेंट फॉर्म ओके गाइस की या बेस फॉर्म या क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ओके गाइस अब पता चल चुका है कि यूज क्यों होता है, पता चल चुका है कि यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है. अब भैया नॉट बट गाइस क्या नॉट वेरी मच क्या कॉमन पॉइंट ओवर हियर, ये आपको गाइस क्या हमारा दैट हेल्पिंग वर्ब. ये गाइस की बट अब हेल्पिंग बड़ा वर्ब क्या है जो आपके वर्ब को करता है हेल्प. अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब क्या है डू और डज. हां अब डू गाइस क्या है डज क्या है बताऊंगा, बस आप ये समझिएगा कि आपके डू और डज क्या है हेल्पिंग वर्ब. ओके गाइस फाइन. अच्छा अब भैया सब आ गया यूज क्यों होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है और इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है. लेकिन अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, बिरयानी भी आ चुकी है, गोश्त भी आ चुका है, मसाला भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, बट हमें यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए उनको बनाने का तरीका. इट मीन्स व्हाट वी नीड अ फॉर्मूला, वी नीड अ फॉर्मूला गाइस. व्हाट इज द फॉर्मूला, यस सबसे पहले आपको क्या आएगा सब्जेक्ट मतलब एक्शन करने वाला पॉइंट, फिर आपको क्या आएगा वर्ब मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म फर्स्ट फॉर्म. अब इसमें भैया क्या होगा हमारा वर्ब में या तो किसका इजाफा होगा, या तो एस का या तो ES का या तो IS का बेटा होगा. अब ये कब होगा कैसे होगा क्यों होगा ये बताता हूँ भैया मैं आपको फाइन. फिर इसके बाद आपको क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा मॉडिफायर आएगा और फिर आप एंड में क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट. ओके ये ऑब्जेक्ट क्या ये बता चुका हूँ मैं आपको, मॉडिफायर क्या ये बता चुका हूँ मैं आपको और कॉम्प्लीमेंट क्या ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. अगर आपको प्रॉब्लम है तो क्या आप जाके मेरे पिछले वीडियो को देखिए, वहाँ पर ये सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है ऑब्जेक्ट क्या है मॉडिफायर क्या है कॉम्प्लीमेंट क्या है तमाम चीज़ें मैं समझा चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ. पर के नाउ इट्स टाइम टू मेक द सेंटेंस. मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ,
रोज पढ़ाता हूँ ना, बार बार पढ़ाता हूँ, रिपीट हो रहा है. सो इट मीन्स दैट दिस इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ दैट. सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या आएगा? आई आपको क्या है? सब्जेक्ट. मैं पढ़ा दूँ. अच्छा, करता क्या हूँ? आइए तो आपका वर्ब के तो क्या होगा? आई क्या? आई टीच. आई आपका सब्जेक्ट है, टीच आपको क्या वर्ब? ओके, तो क्या पढ़ा दो? आई टीच गाइस क्या? इंग्लिश. हाँ, कहाँ पर? एट द मैट. ओके गाइस, दैट इज वेरी मच क्या? MELT मैट. हाँ गाइस, फाइन. ओके, तो यहाँ पर आई आपको क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये काम मैं कर दो के, तो आप में डूअर हो गया. करता क्या हूँ? टीच. टीच आपको वर्ब हो गया. अच्छा, और इंग्लिश ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और एट द मैट ये आपका क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड मॉडिफायर. व्हाई? बिकॉज दिस इज द प्लेस. ओके फाइन. अच्छा, अब आप कन्फ्यूज हो सर, हमने यहाँ पर ये फॉर्मूले में एस ES और IS का इजाफा किया, लेकिन इसको हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भैया ये बता दो आपको कि ये उस वक्त आपका यूज होता है जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है, शी होता है, इट होता है, या कोई सिंगुलर नाम. हाँ, जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है? कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब थर्ड आपको याद है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में या तो एस का इजाफा होता है, या तो ES का, या तो IES का. राइट हियर, अब ये एस का आता है, ES का आता है, और IES का आता है, ये मैं बताऊंगा बी गाइस के. फाइन. अच्छा, दूसरा नंबर जुमला आपको क्या हमारा? यू. जैसे यार तुम इंग्लिश सीखते हो, राइट? यहाँ पर सीखने वाला कौन हो गया? यू. तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट. करते क्या? करते भैया क्या हो क्या? हाँ, यू. हाँ गाइस, क्या? यू लर्न. अच्छा, क्या सीखते हो? काम किस पे भैया आपका हो रहा है? हाँ, यू क्या? यू लर्न इंग्लिश. गाइस फाइन हियर. अच्छा, अब इसमें फिर से भैया क्या एस ई एस आई एस क्यों नहीं आया? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट ना ही है, ना शी है, ना इट है, ना ही कोई सिंगुलर नाम है. अगर ये होते हैं तो वर्ब में ही होते हैं, अदरवाइज ये इस्तेमाल होते हैं नहीं है. फाइन. अच्छा, आगे पर क्या है? ही. हाँ गाइस, के ही. अच्छा, यहाँ पर ही मुझे ये कहना के हाँ ये गाने गाता है, राइट? के गाने गाता है, बार बार गाता है, रिपीट करता है, एंजॉय करता है. गाइस यहाँ पर क्या होगा? ही. यहाँ गाइस का ही. अच्छा, ही सिंग सॉन्ग. अच्छा, ही सिंग सॉन्ग. क्या जो नंबर राइट है? रॉन्ग है. वो कैसे? हाँ सर, आपने कहा था अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो? ही हो, तो वर्ब में क्या होगा? एस ई एस या आई एस का इजाफा होगा. फाइन. तो अब यहाँ पर एस होगा, ई एस होगा, या आई ई एस का? तो यहाँ पर आपको होगा एस. क्यू अभी बता दो गाइस, डोंट वरी. ओके, फर्क है ना ये क्या? हाँ, ये मोबाइल इस्तेमाल करती है क्लास में, बार बार करती है. ये आपको क्या हो? रिपीट. आपका एक्शन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. तो ये काम बार बार करती गाइस की, तो क्या होगा? ये मोबाइल यूज करती है क्लास में. फाइन. तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? दैट क्या? शी यूज क्या? शी यूज गाइस क्या? मोबाइल इन द क्लास. हाँ, शी यूज मोबाइल इन द क्लास. फाइन. क्या जुमला हमारा राइट है? जी नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है. क्यों? व्हाई? बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट. फाइन. तो क्या होगा? शी यूजेस मोबाइल इन द क्लास. फाइन. यहाँ पर शी आपका क्या है? सब्जेक्ट है. यूज आपका क्या है? वर्ब है. मोबाइल आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है. और इन द क्लास बेटा आपका क्या? दिस इज कॉल्ड मॉडिफायर. ओके, बट सर आप ये बस सी सी क्या है? सी आपका कॉम्प्लीमेंट है. और अगर आप जुमले को मजीद डिस्क्राइब करना चाहें तो आप कॉम्प्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं. ओके गाइस, फाइन. बट होप यहां तक आपको क्लियर हो गया. फाइन. और अब बताऊंगा मैं आपको कि यहां पर एस का, ई एस का और आई एस का इजाफा कैसे होगा. सो लेट्स हैव अ लुक. जी गाइस, तो मैंने आपसे ये कहा था कि कहां पर एस, ई एस और आई एस का इजाफा किया जाता. फाइन. सो पहले बताऊंगा मैं आपको कि ई एस का इजाफा कब और कैसे. अच्छा, पहले बता दी मैंने आपको ये ओके, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि इजाफा कब होता है जब आपका सब जी क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम. पर ये ईएस कब लगता है? सो लेट्स हैव अ लुक. फन गाइस. अच्छा, अब ये ग्रामर क्या कहता है कि ऐसे वर्ब जो एंड होते हैं, मतलब कि ऐसे वर्ब जो इख्तिताम होते हैं, फिनिश होते हैं, एंड होते हैं एसएच पर, सीएच पर, डबल एस पर, ओ पर और एक्स पर. ओके, और आपको अगर याद होगा जब मैंने आपको ये रूल पढ़ाया था सिंगुलर प्लूरल, ये भी सेम ही आपके रूल है. अगर आपके वर्ब एंड होते हैं, वो नाउन थे या आपके वर्ब है. ओके, अगर आपके वर्ब एंड होते हैं इन
तमाम अल्फाबेट्स पर, तो यहाँ पर होगा ES का इजाफा। वो कैसे? जैसे ओवर हियर आई वॉच टीवी, आई वॉच, वॉच आपका नाउन भी है मतलब घड़ी, और वॉच आपका वर्ब भी मतलब देखना, ओके। एंड वी यूज वॉच फॉर स्पेशली टेलीविजन, ओके, और मूवीज और कार्टून, ओके, सो ऑन राइट हियर। तो क्या हो गया दैट आई वॉच टीवी, कि मैं टीवी देखता हूँ। अगर मुझे कहना है कि अली देखता है, इट मीन्स दैट अब यहाँ पर वर्ब में इजाफा होगा। पर क्या होगा, एस होगा, ES होगा या IS होगा? तो बताओ वॉच के एंड में आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, CH। हाँ गाइस, तो यहाँ पर ग्रामर ने क्या कहा कि अगर आपका CH आएगा तो यहाँ पर इजाफा होगा ES का। तो क्या हो जाएगा, अली वॉचेस टीवी, आई वॉच टीवी एंड अली वॉचेस टीवी, फाइन। अब वन मोर एग्जांपल बेटा, यहाँ पर आपको आगे दैट दे मिस मी, मतलब कि वो मुझे याद करते हैं, दे मिस मी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि शब्बो मुझे याद करती, कौन गाइस, कि शब्बो मुझे करती याद, अब यहाँ पर क्या हो गया, शब्बो आपको हो गया थर्ड पर्सन राइट हियर, तो यहाँ पर वर्ब में इजाफा तो होगा। तो कैसे होगा, शब्बो मिसेस मी, तो यहाँ पर आपको अगर डबल एस, तो ग्रामर ने क्या बोला कि अगर डबल एस आएगा तो वर्ब में क्या होगा, ES का इजाफा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दैट शब्बो मिसेस मी, फाइन गाइस। सो ये था आपका द यूज ऑफ ES, फाइन। तो ये तमाम आएंगे जैसे अब आपका आ गया, नाउ आ गया आपका SH, ओके। तो मैं अपने कपड़े धोता हूँ, आई वॉश माई ड्रेसेस, मेरी अम्मी मेरे कपड़े वॉश करती, तो क्या हुआ, माई मदर washes, हाँ, तो क्या होगा, my mother washes my clothes, I go to school, but he goes to school, हाँ, क्या, he goes to school, fine, अच्छा, I fix the machine, okay, और she fixes, हाँ, क्या, she fixes, okay, तो fix, go, miss, watch and wash, ये तमाम आएंगे तो एंड में तो आएगा आपका ES, fine। अब आते हैं IS का आपका रूल, भैया क्या, fine, just see over here, अब जैसे कि deny माने ना फरमानी करना, ओके, fly माने उड़ना या उड़ाना, play माने खेलना, और study माने मुतल्ला करना, fine। अब grammar बेटा यहाँ पर क्या कहता है कि ऐसे word जो end होता है किस पर, y पे, जैसे कि यहाँ भी y आ रहा है, यहाँ भी y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है, और यहाँ पर भी भैया आपका आ रहा है y, fine। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको first chapter में पढ़ाया था common, sorry, vowel and consonant, fine, क्या vowel और consonant, अगर आपको याद नहीं है तो जाएं उसको देखिए फिर आके ये देखना, फाइन। अब ग्रामर बेटा क्या बोलता है कि ऐसे वर्ब जो एंड होते हैं वाई पे, अगर उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो भैया क्या होगा, वाई को हटा कर आई ES का इजाफा करेंगे, राइट, हाँ, जैसे कि नाउ एफ एल वाई फ्लाई, नाउ एफ एल वाई, अब बताओ एंड में आपका वाई आ रहा है और वाई से पहले आपका क्या आ रहा है, एल, एल आपका कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा आई ES, तो क्या होगा दैट फ्लाई का फ्लाई। लेकिन जब बात हो प्ले, अब प्ले आपको क्या हमारा PLAY प्ले, एंड में आपको क्या आ रहा है y, यहाँ पर y से पहले आपको क्या आ रहा है आ, आ, a, अब a आपको क्या है वोवेल a, तो इसको हम हटाएंगे नहीं, फाइन, हियर वी ओनली पुट टू s, फाइन। नाउ व्हाट अबाउट द स्टडी हियर, वी आपको क्या होगा study, क्या स्टडी, अब बताओ एंड में आपका y आ रहा है और y से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा d, और d आपका क्या है कॉन्सनेंट, भैया यहाँ पर क्या करें हम IES का करेंगे इजाफा, फाइन। तो ये आपका हो गया IES, सुनो, अगर ये सब आएंगे तो ES, और अगर Y आएगा उससे पहले आएगा कॉन्सनेंट, तो आपको क्या आएगा IES, फाइन। नाउ वी हैव सम एग्जांपल हियर, जस्ट सी हियर, कम ऑन हियर गो, आई फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई काइट, फाइन। मुझे कहना कि अली पतंग उड़ा, अली आपका हो गया थर्ड पर्सन, इट मींस दैट वर्ब में इजाफा होगा। अब S होगा, ES होगा या IES होगा, तो यहाँ पर एंड में आपको क्या आ रहा है Y, Y से पहले क्या रहे कॉन्सोनेंट, तो यहां पर हमने क्या कर दिया वाई को हटाकर आई ES का इजाफा किया, राइट। नाउ वन मोर एग्जांपल, जस्ट सी, दे पे देयर फी, सॉरी, दे पे द फी, दे पे द फी मतलब वो फी पे करते हैं। अगर मुझे कहना है कि अली अपना फी करता है पे, तो यहां पर क्या होगा दैट अली पे, अब पे के एंड में क्या रहा आपका वाई, और वाई से पहले यहां पर क्या आ रहा है वोवेल, यहाँ पर y को हटाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर वोवेल आ रहा है। अगर आपका आ जाता है कॉन्सनेंट, तो फिर क्या होता है दैट अली पेज द फी, अली क्या कहते क्या फी को पे करता है, फाइन। अच्छा मुझे कहते कि अली करते अपना क्या फी को पे, तो अली पेज हिज फी, फाइन। यहाँ पर क्या हमारे क्या लिखा है, दे पे द फी और अली
pays the fee. Oh, sorry. Fee. क्या? Double E fee. Oh. Sorry. F double E बड़े क्या? Fee. Don't worry, okay? It happens. Well, अच्छा मैंने यहाँ पर पकड़ लिया. वो ना पता नहीं लोग क्या कहते भैया सर को तो fee का spelling नहीं आती. कई बार नहीं ऐसा होता है, right here. अब जितना अच्छे काम करो, आपको हमेशा ये नहीं मिलता. लेकिन जब आपने थोड़ा कर दिया, ओह इसको देखो, ओह इधर सुनो, अभी आओ. बिल्कुल ऐसी बात नहीं. Fine. It happens in this, right? That's why do not take it serious on your heart. Point. अच्छा अब ये गाइस पता चल गया कि ये आएगा तो ES, ये आएगा तो IS. अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो फकत आपका आएगा एस. भैया वो कैसे? जस्ट सी हियर दैट बॉयज ड्राइव कार. लड़के कार चलाते हैं. ओके अब अगर आप हो गया कि अली कार चलाते. ओके भैया ये थोड़ा मिट गया. ओके जस्ट सी हियर दैट क्या अली ड्राइव. क्या अली ड्राइव? इट मीन्स आपका इजाफा होगा ना. हाँ तो क्या होगा? ES आएगा? नहीं, क्योंकि इसके एंड में ना SH आ रहा है, ना CH आ रहा है, ना S आ रहा है, ना O आ रहा है, ना X. तो IS होगा? नहीं, क्योंकि इसके एंड में Y तो नहीं आ रहा. तो अब भैया सिर्फ क्या होगा? Here only S. तो क्या होगा? Boys drive car and Ali drives car. Fine. अच्छा one more example here. Girls use mobile. लड़कियां मोबाइल यूज करते हैं. लेकिन अगर बात है यहाँ पर शब्बो इज ओनली वन. ओके सो इट मीन्स दैट इजाफा तो होगा. क्या ES आएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि इसके एंड में इनमें से कुछ नहीं आ रहा. क्या IS आएगा? नहीं, क्योंकि इसके एंड में आपको Y नहीं आ रहा. तो फिर क्या आएगा? हाँ तो ES नहीं, IS नहीं, तो फकत आपका क्या होगा? Only S. तो Shabbo uses mobile. Yeah guys, so I hope you people have understood the use of simple present tense. एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर आपको ये टेंस पूरा आ गया तो आप 50% इंग्लिश में बात कर सकते हैं. तो ये यहाँ खत्म नहीं है guys. Okay, because इसके मुझे आपको नाउन क्या काइंड पढ़ाने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव. और सबसे खास बात इसके 11 वेरिएशन. ओके वो भी भैया मैं आपको पढ़ाऊंगा. ये सब पढ़ने के बाद यू पीपल विल बी स्पीकिंग वेरी परफेक्टली, वेरी नाइसली एंड वेरी ऑथेंटिकली. फन गाइस, तो यहाँ पर भैया हम करते हैं अपनी क्लास को वाइंड अप. लेकिन आपके क्वेश्चन सराखों पर. ओके सो आपके प्रॉब्लम जो भी हो आप हमें बताइए. क्या उसके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और जाके बताइए सबको. देन नाउ वी हैव गॉट अ चैनल जहाँ पर तमाम चीज़ों को डिटेल में और सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है. सो गाइस नाउ इट्स टाइम टू टेल यू कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोज के बारे में अपडेट मिलती रही. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.